अब बड़ी खबर आ रही है कि फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी पुलिस के रेडार पर एक मीट कारोबारी है। जानकारी के मुताबिक ये मीट कारोबारी प्रयागराज के अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी काम करता है और प्रयागराज के करेली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या से पहले चकिया वाले गुड्डू मुस्लिम की मीट की दुकान पर यह कारोबारी पहुंचा था। गुड्डू की लोकेशन ओडिशा में मिली थी, जहां वो करीब 15 दिन से रहा था। पुलिस को शक है कि ये कारोबारी ही गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है इस फुटेज में और ये कारोबारी करेली में। अब ओडिशा से भागकर क्या वो बंगाल गया है? लास्ट लोकेशन उसका बंगाल के इलाके में बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। अब तक 6 राज्यों में उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, लेकिन हर जगह वो पुलिस को पहुंचने से पहले ही निकलकर भाग जाता है। अब पुलिस के रेडार पर एक कसाई है जो गुड्डू का बेहद करीबी दोस्त है। दावा किया जा रहा है कि अपने कारोबार की आड़ में ये कसाई गुड्डू के लिए एक ढाल बना चुका है। कौन है ये कसाई, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। गुड्डू मुस्लिम का कसाई कनेक्शन, मीट कारोबारी, शूटर का मददगार, कालीकोट वाले शाइस्ता के बॉडीगार्ड। पिछले करीब 2 महीने से पुलिस को न तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम मिल रहा है और न ही शाइस्ता के ठिकाने का अंदाजा लग रहा है, लेकिन इन दोनों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ को जो सुराग मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब तक 6 राज्यों में मिल चुकी है। ओडिशा से लेकर कर्नाटक और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि क्या वो एक लोकेशन पे है या लगातार मूवमेंट कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी पुलिस के रेडार पर एक मीट कारोबारी है। ये मीट कारोबारी प्रयागराज के करेली का रहने वाला है। इसका प्रयागराज में मीट का बड़ा कारोबार है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी इसका मीट का कारोबार फैला हुआ है। पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम ने मीट शॉप में उससे मुलाकात की थी। दोनों के बीच ये मुलाकात उमेश पाल की हत्या से पहले हुई थी। पुलिस को शक है कि कहीं ये मीट कारोबारी अपने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कनेक्शन की बदौलत कहीं गुड्डू मुस्लिम की मदद तो नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 1 महीने के दौरान गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों ही राज्यों में हो चुकी है। दावा है कि ओडिशा में तो गुड्डू करीब 15 दिन रुका था। इन सब के बीच शाइस्ता प्रवीण की लोकेशन पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। एसआईटी की टीम कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है जो शाइस्ता की फरारी में या तो उसकी मदद कर रहे हैं या आने वाले वक्त में मदद कर सकते हैं। इस लिस्ट में 7 वकीलों के अलावा 20 दूसरे लोगों के नाम हैं। मददगारों में सुधांशु त्रिपाठी उर्फ बल्ली पंडित, मोहम्मद नफीस और इरशाद उर्फ सोनू के अलावा अरशद, सुल्तान अली, बांदा का जफर अहमद खान, डॉक्टर शैला, असद, नूर, मोहम्मद मुस्लिम के अलावा अशरफ का साला सद्दाम और कासिम भी शामिल हैं। आर्थिक मददगारों में मोहम्मद मुस्लिम, असलम मंत्री और खालिद जफर का नाम शामिल है। खालिद जफर अतीक अहमद की बहन का दामाद है और उसके घर भी ईडी की छापेमारी हो चुकी है। अब उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अतीक गैंग की ये लेडी डॉन लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता ने साल 2019 में गैंग की कमान संभाल ली थी और देखते ही देखते गैंग के सभी फैसले शाइस्ता खुद लेने लगी थी। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज। जब दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिसको अंजाम देने के लिए अतीक का पूरा परिवार प्लानिंग में शामिल रहा, जिसके बाद अतीक अहमद के बेटे असद का 13 अप्रैल को एनकाउंटर हो गया, तो वहीं 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई। लेकिन अब भी अतीक की गैर मौजूदगी में अतीक के गैंग को चलाने वाली शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अतीक गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता के हाथों में गैंग की कमान। अतीक अहमद का गैंग IS-227
यानी इंटर स्टेट 227, जिसकी कमान अतीक अहमद के हाथों में रही। लेकिन तब तक जब तक वो नैनी जेल में रहा, जिसके बाद उसे देवरिया जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां एक कारोबारी को धमकी देने के बाद साल 2018 में अतीक को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। साल 2018, जगह फूलपुर यूपी। ये वो साल था जब अतीक ने जेल में रहकर ही फूलपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, जिसमें शाइस्ता परवीन ने अतीक के लिए प्रचार किया, तो वहीं बेटे उमर ने चुनाव की कमान संभाली, लेकिन अतीक अहमद चुनाव हार गए। तो वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा था, और इसका कारण ये था कि जब से राजू पाल जी की हत्या हुई, उसके बाद इस फैमिली का कोई इलेक्शन जीत नहीं पा रहा था, और इलेक्शन जीतने के लिए इनको डेमोग्राफी चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर अतीक अहमद का एक नया फरमान आया, तारीख 3 जून 2019। ये वो तारीख थी जब शाइस्ता परवीन की क्राइम क्वीन बनने की कहानी शुरू हुई, क्योंकि एक तरफ साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद अतीक का रसूख खत्म हो रहा था, वो चुनाव हार चुका था, उसकी हनक उसकी धमक प्रयागराज में कम होती जा रही थी, अतीक के बेटे छोटे थे, तो आखिरकार अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को गैंग की कमान सौंप दी। अब शाइस्ता परवीन ही गैंग को संभालने लगी, उगाही का काम शुरू किया, शूटर्स को ऑर्डर शाइस्ता परवीन ही देती रही, अतीक की बेनामी संपत्तियों की देखभाल भी शाइस्ता परवीन करती रही, यानी अतीक गैंग की कमान शाइस्ता के हाथों में थी, और जो भी अतीक के गुर्गे किया करते थे वो शाइस्ता का ही ऑर्डर हुआ करता था। इसी बीच साल 2021 में शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हो गए। अपने पति अतीक अहमद की तरह क्राइम से राजनीति में उतरने की तैयारी में शाइस्ता जुट गए। उम्मीद थी और भरोसा भी कि साल 2022 में यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। तभी 31 दिसंबर 2021 को अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली पर 5 करोड़ की रंगदारी का मामला दर्ज हुआ। बताया गया कि ये रंगदारी शाइस्ता के इशारे पर मांगी गई थी, और जैसे ही मामला सामने आया वैसे ही शाइस्ता का टिकट मिलने का सपना धुल गया। 5 जनवरी 2023 को शाइस्ता परवीन ने BSP ज्वाइन कर ली। निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए टिकट की डिमांड कर रही थी, लेकिन उमेश पाल अपहरण मामले पर फैसले की घड़ी पास आ चुकी थी। ऐसे में जेल में बैठे अतीक ने लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को एक ऑर्डर दिया, और फिर शाइस्ता ने गैंग को सक्रिय कर दिया। 24 फरवरी को उमेश पाल की उनके ही घर के सामने हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था, जिसका झांसी में एनकाउंटर हो गया, तो वही शाइस्ता परवीन फरार है, जिस पर आरोप है कि उमेश पाल की उसने रेकी की, जेल में मोबाइल और सिम पहुंचाया। यही नहीं, शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर से मुलाकात भी की, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का पूरा गैंग खत्म हो गया है, लेकिन अब भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, जिसकी तलाश पुलिस को है। अभी तो ये छिपे हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गैंग के पास छिपने के स्थानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिला पुलिस भी इनकी खूब तलाश कर रही है, STF भी लगातार काम कर रही है, उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। शाइस्ता पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अतीक गैंग की लेडी डॉन फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूक्रेन से